साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों अभी जो वीडियो बन रही है वो आज का जो न्यूज़पेपर है उसका है कि 26 से 28 को होने वाली सक्षमता परीक्षा स्थगित। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है कि उन शिक्षकों के लिए जिन्हें सक्षमता परीक्षा ही देनी थी। देखिए क्या लिखा हुआ है इसका हेडलाइंस, वो पहले मैं बता दे रही हूँ, आपको भी दिख भी ही रहा होगा। शिक्षक संगठनों की मांग पर बिहार बोर्ड का फैसला, प्रधान शिक्षक के लिए 28 और 29 को ही है परीक्षा। तो अभी हेडमास्टर के लिए 28 और 29 को परीक्षा है, इसलिए शिक्षक संगठनों ने इसकी मांग की थी जिसको बिहार बोर्ड ने मान लिया है। बाकी इस पूरे न्यूज़पेपर में क्या है एक झलक मैं बता दे रही हूँ जल्द से जल्द। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 26 से 28 जून तक होने वाली द्वितीय सक्षमता परीक्षा को शुक्रवार को स्थगित कर दिया है। समिति की ओर से अपरिहार्य कारण से परीक्षा समिति स्थगित करने की बात कही गई है। इस परीक्षा के लिए 85 से भी अधिक शिक्षक शामिल होंगे। हालांकि प्रवेश पत्र शुक्रवार को ही जारी कर दिया गया। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से कक्षा 5 शिक्षक अभ्यर्थियों, मध्य विद्यालय के कक्षा 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थियों और माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9वीं से 10वीं के शिक्षक अभ्यर्थियों और उच्च विद्यालय के कक्षा 11वीं से 12वीं के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित होनी है। हालांकि शिक्षक संगठनों ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से प्रधान शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए भी परीक्षा निर्धारित है। प्रधान शिक्षक के पदों के लिए परीक्षा 28 और 29 जून को होनी है। इसी परीक्षा के टकराने की वजह से शिक्षक संगठनों ने तिथि बढ़ाने की मांग बिहार बोर्ड से की थी। तो मेरे दोस्त मेरे साथी जो भी सक्षमता परीक्षा से जुड़े लोग हैं सिर्फ प्रैक्टिस और कर ले, थोड़ा सा मेहनत और कर ले। मेरे दोस्त मेरे साथी आपके लिए हमेशा परीक्षा के ही घर ही है।